नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर, जहां किशोरियों को अगवा कर दूसरे शहरों में सौदा करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आपको बता दें, 4 साल से लापता किशोरी को पुलिस ने किया बरामद। दूसरी किशोरी का पता लगाने राजस्थान पहुंचे रीवा पुलिस। रीवा जिले में किशोरियों को अगवा कर दूसरे शहरों में उनका सौदा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने 4 साल से लापता किशोरी को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी की तलाश में राजस्थान रवाना हुई है। वहीं मानव तस्करी के इस मामले से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। पूछताछ में छुरहेटा निवासी आरोपी महिला सीता साकेत ने न सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं, जिस आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। उसने बताया कि घटना के दिन पीड़िता को झांसा देकर बाजार ले गई थी, वहां से गुलशेर के साथ दमोह भिजवाया, जहां उसने पीड़िता को दमोह निवासी विक्रम अहिरवार के हाथों 70,000 में सौदा किया था। इस राशि में 15,000 रुपये बतौर कमीशन महिला को मिले थे, शेष राशि गुलशेर ने रख लिए। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी महिला का पति भी सहयोगी था। पुलिस ने फिलहाल महिला को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने बताया, मामले की जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की रिपोर्ट। क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। 2-3 दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी, और थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी, तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की वजह से और विश्वसनीय मुखबिर सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। और मिलने के बाद में जब मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिया और न्यायालय में उसके कथन कराए गए, तब उसने पूरी घटना बताई कि वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी। तब उसके ही घर की रहने वाली घर के पास में रहने वाली चाची, जिसका वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चल रहा है, मार्केट चलने का बोल के उसको मोगन बाजार लेके आई और सामान वामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। फिर जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है, उसने तुमको मुझे 70,000 रुपये में बेच दिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन 1 वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था। तो काफ़ी परेशान और हताश होकर उसने 1 वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया, और जब उसको ये जानकारी मिली कि वो आदमी जो वहाँ रहता था, उसका नाम उसने विक्रम साकेत बताया, जो दमोह जिले से बिलोंग करता है, तो वो मौका देखकर वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग गई। और वहीं दमोह जिले के ही दूसरे गांव में वो जीवन यापन करने लगी, मजदूरी करने लगी, और उसको एक लड़का मिला, ओमकार पटेल नाम है जिसका। तो उसको उसने पूरी व्यथा सुनाई, व्यथा सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगाकर कि वो कहाँ की है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुँचाया। और पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाकर उसको दस्तियाब किया और उसका एक आरोपी, इसमें महिला आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और शेष 2 आरोपियों की पता तलाश कर रहे हैं, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए।